हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत जैन। आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ये कंपनी एक टाइम में बहुत बड़ी कंपनी थी और आज की तारीख में एक ये पेनी कंपनी बनकर रह गई है, और पेनी जो कंपनी रहती है उससे भी छोटी कंपनी बन के रह गई है। और सभी जानते हैं इस ये कौन सी कंपनी है। ये काफ़ी घर घर में इसके प्रोडक्ट्स होते थे और टीवी में इनकी एड काफ़ी आती थी पहले। चलिए उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये कंपनी है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसे तो आप जानते ही होंगे, आपके घर में जो टीवी पहले होती थी वो वीडियोकॉन की होती थी सबसे ज़्यादा। और वीडियोकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स बिकते थे। लेकिन आज इन्होंने मार्केट के हिसाब से ये चले नहीं, इसी हिसाब से इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस उठाना पड़ा और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो कम बिकने लगे। और ट्रेंड के हिसाब से अगर ये चलते तो आज ये कंपनी काफ़ी ऊपर गई होती। नोकिया ने भी वैसे ही किया था, और लेकिन अभी फिर से एंड्रॉयड मोबाइल लेके आए, पहले नहीं लाते थे, तो अभी उनका ट्रेंड वापस बढ़ने लगा है नोकिया का। और अगर ये कंपनी फिर से ग्रो करना चाहती है तो इसे मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जैसे लोगों को प्रोडक्ट्स चाहिए वैसे इनको बनाने पड़ेंगे। आज की तारीख में इसका जो रेट है वो 18.95 है, लो 12 का मारा था और 110 का हाई है। और मार्केट जो कैप है 633 करोड़ का रह गया है। एक टाइम में ये लार्ज कैप कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी भी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो ये ले सकते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर कोई कंपनी इस कंपनी को ख़रीदती है, कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो ये स्टॉक फिर से बढ़ सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। और 18-19 रुपये का है तो कुछ स्टॉक 2-4 हज़ार के ले सकते हैं। और 12 रुपये का लो मारा था, वो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था। और ये सर्किट 5% का लगभग लगा के 18.95 तक आया है, मीन्स 50% रिटर्न इसने थोड़े ही दिनों में दे दिया है। और इसकी जो न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं SBI RBI के ख़िलाफ़, क्योंकि इसने काफ़ी सारे लोन लो ले चुके हैं और दे नहीं पा रहे हैं बैंक के। यस बैंक ने हाल ही में 17,39,00,000 शेयर्स वीडियोकॉन के बेच दिए थे क्योंकि उन्होंने ले रखे थे। और IRP पेयर ओवर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ मैंडेट, ये काफ़ी अभी दिक्कत में फंसी हुई है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वीडियोकॉन के जो है उन्होंने अप्रूव किया है 2,000 करोड़ का और फंड रेस करने के लिए। और वो कैसे रेस करने वाले हैं वो पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। और जो ये नतीजा है हाई कोर्ट का वो उसी के ऊपर ये सब निर्भर है। लेकिन अगर ये पैसे और जुटा लेती है और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालती है तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा फिर से बढ़ सकता है। और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसका, एक मिक्सर ग्राइंडर होम अप्लायंस का भी इनका मार्केट है, जो केनस्टार नाम से ये बेचते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा पहले बिकता था और अभी कम बिक रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी बिड लगाई थी इनकी जो सेल होने वाली है, जो वो सब्सिडरी है केनस्टार, तो अगर वो बिक जाता है तो काफ़ी पैसा उठा लेगी वो सेल करने पर, तो इन्हें कुछ पैसा आ जाएगा डेप्थ पे करने में और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में। अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये कंपनी फिर से मल्टी बैगर बन सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा आगे। अभी फ़िलहाल आप इसकी अच्छी न्यूज़ के बारे में सोचिए, अगर अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो ये आगे अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है और जो डेप्थ ज़्यादा कंपनी है उसमें इन्वेस्ट मत करिए, और इनका खाली इनके ऊपर नज़र रखिए। कभी न्यूज़ अच्छी आ जाए और कभी ये स्टॉक
सर्किट पे सर्किट लगाते जाएं। तो खाली नज़र रखिए आप इन स्टॉक्स पर, अगर और नीचे आता है तो आप लीजिए 12-13-14 रुपए तक, तो वो एक अच्छा मौका होगा। भले आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, लॉन्ग टर्म में कुछ तो होगा इस कंपनी का। चलिए आज मुझे इसी स्टॉक के बारे में बताना था, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।